तो मेरा नाम कुशल कुमार, जिन्हें बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी डिजायर के मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट के बारे में, जो कि BXI वेरिएंट रहने वाला है। मैंने आपको सारा बिल्कुल बेस मॉडल दिखाई दिया था जो कि LXI वेरिएंट था। अगर आप 95,000 रुपीस फिर एक्स्ट्रा देते तो फिर आपको उस कार का BXI वेरिएंट मिल जाता। फिर जो भी बंदे ऐसे होते हैं जिनको आफ्टर मार्केट काम बिल्कुल नहीं कराना, सभी बेसिक फीचर्स उनको कंपनी फिटिटी मिल जाए क्योंकि आफ्टर मार्केट करवाने में वारंटी वर्ड का काफी इशू आ जाता है, तो फिर आप इसके BXI वेरिएंट के साइड जा सकते हैं। इसमें आपको सभी बेसिक फीचर्स मिल जाएंगे, फिर आपको आफ्टर मार्केट वर्क कराने कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपकी नीड इसे बेसिक फीचर्स की है तो ये करके हम सभी फीचर्स को देखने वाले हैं, क्या क्या ऑफर करे जाने वाले हैं आपको इस के इंटीरियर में। 7,44,000 रुपीज के एक्सशोरूम प्राइस पर आपको कार मिल जाती है, जिसमें आपको एक रिफाइंड इंजन मिल जाएगा, सेडान कार रहने वाली है, बूट स्पेस अच्छा मिल जाएगा, लुक्स भी आप देख सकते हैं कितने बढ़िया लगता है इस कार का। और ये बैक प्रोफाइल बेस मॉडल से आपको LED लाइट मिल जाती है। और एक एक करके सभी फीचर्स को देखेंगे क्योंकि वैल्यू फॉर मनी जो वेरिएंट है इसका सबसे टॉप सेलिंग वेरिएंट है वो यही वाला रहने वाला है। तो विषय में कर रहा हूँ शाकुमरी मारुति सुजुकी शोरूम पर। इनके कॉन्टैक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन शो बॉक्स में मिल। अब कोई सी मारुति कार चाहिए तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करता हूँ मैं इस कार की कीस से। तो कुछ तरह की आपको इस कार में की मिल जाएगी। रिमोट सेंटर लॉकिंग रहने वाली है, जिस पर आपको लॉक अनलॉक का मिल जाएगा, और सुजुकी का रहने वाला है लॉक, और दोनों की आपको सेम दी जाएंगी इस कार में। और ये इस कार की फ्रंट प्रोफाइल। फ्रंट में आपको हैलोजन हेडलैम्प मिल जाएंगे, इंडिकेटर में रहने वाला है बल्ब। और ये रही ग्रिल इस कार की, साइड में क्रोम दिया गया है, बीच में हो गया सुजुकी का लोगो। इस बार वेरिएंट में आपको कोई फोग लैंप देखने के नहीं मिलते हैं, साइड में हो गया क्रोम। फिर ओवरऑल किस तरह की लगती है फ्रंट प्रोफाइल इस कार की। और ये रही साइड प्रोफाइल। 14 इंच का आपको इसमें स्टील व्हील्स मिल जाएंगे विद व्हील कवर्स। 165/80R 14 इंच की प्रोफाइल रहने वाली है। बॉडी कलर का रहेगा इस कार का ORBM, और इंडिकेटर भी आपको इस कार के ORBM पर दिया जाएगा। डोर हैंडल हो गया बॉडी कलर का, ए पिलर बॉडी कलर का, बी पिलर मिल जाएगा आपको ब्लैक कलर का। वो बाहर से देखने में कुछ तरह का लगता है। इंटीरियर इस कार का डुअल कलर में रहेगा, जिस वजह से इंटीरियर इस कार का बहुत देखने में बहुत प्रीमियम लगता है। और ये रहा ड्राइवर साइड डोर। इंटीरियर में हम चलेंगे इस कार के तो ये फीचर्स को मैं आपको दिखा दूंगा। फिर उस तरह की लगती है कार साइड से देखने में। इस कार की जो भी डायमेंशन है वो आपकी स्क्रीन पर शो ही होंगी। तो कुछ तरह की मिल जाएगी आपको इस कार की बैक प्रोफाइल। ऊपर की साइड आपको एंटेना मिल जाएगा। डिफो का जैसे फीचर्स आपको साली वेरिएंट पे देखने के नहीं मिलेंगे। स्टॉप लैंप हो गया यहाँ पर। तो ऐसा जिससे कुछ तरह की मिल जाएगी आपको उसमें LED टेल लाइट, इंडिकेटर और बैक लाइट में हो गया बल्ब, नीचे साइड हो गया पार्किंग सेंसर्स। और मैं आपको उस कार का बूट दिखाया तो फिर कितना स्पेस आपको उस कार के बूट में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको क्रोम लाइन मिल जाती है, सुजुकी का लोगो या लोगो बीच में, तो ये कितना बूट स्पेस रहता है इस कार में। स्पेयर व्हील मिल जाएगा आपको यहाँ पर, 78 लीटर हो गया इस कार में बूट स्पेस। तो ये तो बात रही इस कार के एक्सटीरियर के बारे में। जैसे आपने देखो कितने फीचर्स मिल जाएंगे आपको एक्सटीरियर में, जैसे आपको उसमें व्हील कवर्स मिल जाएंगे, बॉडी कलर के डोर हैंडल्स, बॉडी कलर के ORBM, कुछ ऐसे फीचर्स आपको उस कार के एक्सटीरियर में मिल जाएंगे। और जो मेन डिफरेंस रहने वाला है वो उस कार के इंटीरियर में रहने वाला है। इंटीरियर में आपको काफी बढ़िया फीचर्स मिल जाएंगे आपको उसके BXI वेरिएंट में। अगर आपको उसके एक्सटीरियर में LED DRS, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, रियर कैमरा और फ्रंट फोग लैंप्स और डिफोगर जैसे फीचर्स चाहिए तो आप इसके अपर वेरिएंट को देख सकते हैं। ये वाले फीचर्स आपको उसके BXI वेरिएंट में नहीं दिए जाएंगे। उस कार में आपको 1200cc का इंजन मिल जाएगा, जो कि प्रोड्यूस करता है 88 BHP की पावर, 113 Nm का टॉर्क और 160 Mm की रहने वाली इस कार की ग्राउंड क्लीयरेंस। तो चलिए मैं आपको इस कार का इंटीरियर दिखा देता हूँ फिर क्या क्या ऑफर करा जाएगा आपको इस कार के इंटीरियर में। ये रहा इस कार का ड्राइवर साइड डोर। डोर ओपन हो गया क्रोम कलर का। पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाएंगे आपको, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORBM, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल। बटरवुड के लिए स्पेस है, डॉक्यूमेंट के लिए स्पेस और स्पीकर। बाहर से देखने में कुछ इस तरह का लगता है इंटीरियर इस कार का। ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट का मिल जाएगा आपको यहाँ पर फीचर। फ्यूल लिड को ओपन करने के लिए, कार की बूट को लॉक करने के लिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये रहा इस कार का बैक डोर। डोर अपने क्रोम कलर का, पावर विंडो, बटरवुड के लिए स्पेस है, डॉक्यूमेंट के लिए स्पेस और स्पीकर। तो भाई डुअल कलर में रहने वाला इंटीरियर इस कार का, जिस वजह से देखने में काफी प्रीमियम लगता है। और यहाँ पर आपको वुडन फिनिश भी मिल जाएगी। और सभी फीचर्स को हम देखने वाले हैं क्या क्या फीचर्स आपको ऑफर करे जाते हैं इसके BXI वेरियंट में। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं इस कार के स्टेयरिंग व्हील से ही। तो उस तरह का स्टेयरिंग व्हील रहने वाला है, यहाँ पर आपको स्टेयरिंग बॉडी कंट्रोल्स मिल जाएंगे, सुजुकी का हो गया लोगो, सर्कुलर में आपको यहाँ पर क्रोम मिल जाएगा। वो लेदर है स्टीयरिंग व्हील आपको इसमें नहीं दिया जाता। और ये इस कार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मैं आपको एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन जैसे फीचर्स आपको इस वाले वेरिएंट में नहीं मिलेंगे, आपको फिजिकली की लगानी पड़ेगी। और ये इस कार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। RPM मीटर हो गया यहाँ पर, स्पीडोमीटर हो गया यहाँ पर, एनालॉग दिए जाएंगे आपको दोनों। बीच में कितने साइज की मिल जाएगी आपको MID, जिसमें आपको उसके फ्यूल का, कितना चल गई है कार और टाइमिंग सब कुछ आपको इसमें दिखता रहेगा। कुछ इसमें अलर्ट टाइप्स रहने वाली हैं, वो स्टिक्स मिल जाएंगे आपको इसमें। और ये रहा इस कार का सेंटर कंसोल। और यहाँ पर आपको AC वेंट्स मिल जाएंगे, हजार लाइट को गया बटन, सिल्वर फिनिश दी गई है साइड में। और ये ड्राइवर साइड का AC वेंट। और 2D का मिल जाता है आपको उसमें एनफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि देखने में तो टच स्क्रीन एनफोटेनमेंट सिस्टम की तरह लगता है।
पर लेकिन रहने वाला है 2-DIN कंफर्टेबल सिस्टम जो कि देखने में काफी बढ़िया लगता है। और यहाँ पर मिल जाएंगे आपको मैनुअल एसी, कुछ तरह के कंट्रोल्स रहने वाले हैं इसमें। 12 वोल्ट का हो गया पावर सॉकेट, यूएसबी और स्पोर्ट के लिए हो गया। थोड़ा स्पेस पर हो गया यहाँ पर दो कप होल्डर्स। 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन में रहने वाली कार, कुछ इस तरह का गियर नूब दिया जाएगा आपको इस कार में। सिल्वर फिनिश हो गया यहाँ पर। ओएलएस कार का हैंड ब्रेक, ओएलएस कार का ड्राइवर साइड सनवाइजर, बैंटी में आपको यहाँ पर नहीं मिलता, सिर्फ टिकट होल्डर मिल जाएगा। और ये रहा कैबिन लैंप जो कि हैलोजन में रहेगा। और इस कार का IRBM, मैनुअली डे नाइट एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको यहाँ पर। और ये रहा को ड्राइवर साइड का, बैंटी मिरर मिल जाएगा आपको यहाँ पर। ग्रैब हैंडल हो गया, कुछ तरह की फ्रंट सीट्स रहेंगी इस कार में जिसमें आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। फैब्रिक सीट्स रहेंगी कुछ तरह की जिन पर कुछ तरह का डिजाइन बना हुआ है। और ये रहा डैशबोर्ड, जैसा आपको बताया था यहाँ पर आपको वुडन फिनिश मिल जाती है जिस वजह से देखने में कार प्रीमियम लगती है। और ये रहा को ड्राइवर साइड डोर, डोपन हो गया क्रोम कलर का, पावर विंडो हो गई, वाटर बोटल स्पेस, डॉक्यूमेंट स्पेस और स्पीकर। और कितने साइज का रहेगा इस कार का ग्लव बॉक्स, ठीक ठाक साइज रहने वाला है इस ग्लव बॉक्स का। तो ये तो बात रही इस कार के फ्रंट सीट पर बैठकर जो भी फीचर्स आपको मिल जाते हैं वो तो मैंने आपको दिखाई दी है। अब चलिए फिर लेके चलते हैं आपको इस कार के रियर सीट पर। वहां पर आपको इतना स्पेस मिल जाएगा ड्राइवर सीट को अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट करने के बाद। मेरी हाइट 6 फीट रहने वाली, जिससे आपको सही से आइडिया हो जाएगा कितना लेग रूम है इस कार में। दूसरा का रहने वाला इस कार में लेग रूम और हेड रूम में कोई भी कमी नहीं रहेगी इस कार में। और रियर सीट पर बैठे उस तरह का लगेगा डैशबोर्ड, वजह से हमने आपको दिखाई दिया। फ्रंट में भी आपको कैबिन लैंप मिल जाएगा और यहाँ पर भी आपको कैबिन लैंप मिल जाएगा जो कि हैलोजन में रहेगा। वो ग्रैब हैंडल हो गया यहाँ पर, फ्रंट में भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट और बैक में भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे। और आर्मरेस्ट रहने वाला है यहाँ पर, और रेयर इस इवेंट्स हो गया यहाँ पर। और अंदर थाई सपोर्ट भी काफी बढ़िया रहने वाला है इस कार का। 12 वोल्ट का हो गया पावर सॉकेट, फिर आपको यहाँ पर थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। और कुछ ने साइज का रहने वाला है यहाँ पर बम्प। तो वे साइड में उस तरह का था इंटीरियर कार का। फीचर्स में तो कोई भी कमी नहीं रहने वाली इस कार में, अगर आप बेसिक फीचर्स अपनी कार में चाहते हैं तो। जैसे आपने देखा आपको 2-DIN कंफर्टेबल सिस्टम मिल जाएगा, पावर विंडोज मिल जाएंगे, रियर एसी वेंट्स हो गए, फ्रंट में भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट और बैक में भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट, आपको आर्मरेस्ट मिल गया, वो कैबिन लैंप भी आपको फिर यहाँ पर रहने वाला है। तो फिर ब्राइटनेस तो काफी रहने वाली है कैबिन में इस कार के। तो फीचर्स में तो कोई भी कमी नहीं रहने वाली इस कार के BXI वेरिएंट के। तो वैसे आपने देखा उस तरह का इस कार का बुक रहा, जो भी फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर एक्सटीरियर मिल जाते हैं मैंने आपको दिखाई दिए हैं। जैसे आपने देखा आपको उसमें ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट का फीचर मिल जाएगा, रिमोट सेंटर लॉकिंग, स्टीयरिंग मॉडल कंट्रोल्स, म्यूजिक सिस्टम, रियर एसी वेंट, ऑल पावर विंडोज, व्हील कवर्स, बॉडी कलर के डोर हैंडल्स और ORBM। और इनके अलावा भी काफी बढ़िया फीचर्स दिए गए इस वाले वेरिएंट में। अगर आपको ये वाले फीचर्स बढ़ते लगते हैं 1,05,000 रुपीज के प्राइस में, तो आप बेस वेरिएंट से अपग्रेड कर सकते हैं इसके BXI वेरिएंट में। तो अगर आपको इस कार के और वेरिएंट की वीडियो देखनी है, फिर आपको किसी और कार का बुक राउंड देखना है, तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। फ्यूचर में ऐसी वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।